तो बंधु लोग, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा एंड रिव्यूज़। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में, खासकर जो लीक्स निकल कर आ रहे हैं उनके बारे में। वैसे मैंने इसकी स्टोरी प्रेडिक्शन को लेकर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं, जो सबसे बड़ा लीक निकल कर आ रहा है वो है शाहरुख खान के किरदार को लेकर, और उसकी एक इमेज भी लीक हो रखी है जो कि कंफर्म कर रही है कि शाहरुख खान इसमें जो है वो वानर अस्त्र को धारण किए हुए जो किरदार है उसका रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी झलक हमें इसके ट्रेलर में भी देखने को मिलती है। वैसे मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी प्रेडिक्ट किया था कि यही रोल शाहरुख खान का होने वाला है, जो कि मेरा प्रेडिक्शन सही निकला है कुछ हद तक। इसके अतिरिक्त SS राजामौली साहब, जिन्होंने कि इस ब्रह्मास्त्र फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में एक हिंट दिया है, उनके अनुसार इस फर्स्ट पार्ट का विलन जो है वो इस तरीके से क्रिएट किया है अयान मुखर्जी ने कि उससे सुपीरियर विलन की संभावना इसमें अगले पार्ट में बनी रहे, और इन द एंड सब कुछ ठीक होगा प्यार की ताकत की बदौलत, ऐसा उनका कहना है। यानी कि शिवा एंड ईशा की प्यार की ताकत ही जीत दिलाएगी। तो जहां तक है, मौनी राय का किरदार ही विलन होने वाला है इस फर्स्ट पार्ट का, जो कि ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को ढूंढकर उसे जुड़ने में कामयाब हो जाएगी, और फिर आखिर में शिवा जो है वो कामयाब हो जाएगा कहीं ना कहीं उसको रोकने में। लेकिन फिर जैसा कि राजामौली साहब ने कहा कि एक सुपीरियर विलन की एंट्री का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो शायद फिल्म का एंड उसी की एंट्री के साथ हो, और वो विलन शायद वही हो सकता है जो ट्रेलर में नज़र आता है, एक त्रिशूल लिए हुए एक व्यक्ति। लेकिन ज़्यादा संभावना उस त्रिशूल वाले व्यक्ति के किरदार की फ़िलहाल तो यही है कि वह रणबीर कपूर का ही किरदार शिवा ही हो। बाकी इसके अलावा एक और लीक की चर्चाएं बड़ी ही हो रही हैं, जो कि है दिव्यन्दु शर्मा यानी कि अपने मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया की। उनका भी एक स्पेशल एवं अहम किरदार होने वाला है इस फिल्म में इन लीक्स के अनुसार। हालांकि जूम को दिए हुए एक इंटरव्यू में दिव्यन्दु ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है कि वह ब्रह्मास्त्र का हिस्सा होने वाले हैं, लेकिन अगर फिल्म की कास्ट को हम सर्च करते हैं तो उसमें दिव्यन्दु का नाम भी है, और वो भी कार्तिकेय के किरदार के रूप में, जो कि संशय पैदा कर रहा है कि कुछ तो है, वरना कोई ऐसे ही थोड़ी ना किसी का नाम कास्ट में जोड़ देगा। भाई धुआं वहीं उड़ता है जहां कुछ आग होती है। बाकी अगर ये र्यूमर सही निकलता है तो भाई मुन्ना भैया का किरदार कुछ बहुत ही स्पेशल होने वाला होगा, तभी मेकर्स ने उनको शायद छुपा के रखा हुआ होगा अगर वो फिल्म में हैं तो। बाकी तुम्हें क्या लगता है ये र्यूमर सही होगा या नहीं? बाकी मुझे तो चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि किरदार का नाम कार्तिकेय है, तो हो सकता है कि इस पार्ट में केवल दिव्यन्दु का हमें केमियो ही देखने को मिले, एंड अगले पार्ट में कुछ अहम रोल ये किरदार प्ले करे। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करो। तो चलिए फिर यहीं पर रैपअप करते हैं इस वीडियो को, एंड मैंने जो स्टोरी प्रेडिक्शन वीडियो बनाया है इस ब्रह्मास्त्र मूवी का, उसको भी आप एक बार चेकआउट करके बताइएगा कि कैसा है वो वीडियो। एंड जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मैं हूं विवेक और तुम देख रहे हो सिनेमा एंड रिव्यूज़। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।